गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर में द सेंटेंस के अंदर हमने यहाँ तक इसको पढ़ लिया था. नाउ कम टू फ्रॉम देयर. चलो हम यहाँ से पढ़ते हैं. हेयर द सेंटेंस इज ऑफ फोर टाइप्स इन विच फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस. स्टेटमेंट सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. यहाँ पे तीन आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं. पहला है द ताजमहल इज इन आगरा, असम इज फेमस फॉर टी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दीज सेंटेंसेस स्टेट समथिंग. तो ये जो तीनों सेंटेंस आपने पढ़े हैं, आपने देखा इसमें कोई चीज़ बताई जा रही है. देयरफॉर वी कैन से दीज आर स्टेटमेंट सेंटेंसेस. इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंसेस कहते हैं. और दूसरा क्या कहते हैं, इनको असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले कि अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. नाउ कम टू द सेकेंड वन, दिस इज क्वेश्चन सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. चलिए इनको थोड़ा पढ़ते हैं. आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हो. इज ही एबसेंट टूडे, क्या वह एबसेंट है टुडे आज. विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे. व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है. वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो. तो आपने देखा इन पांचों सेंटेंसेस में आपको कुछ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज क्वेश्चन सेंटेंसेस. और आप ये भी देख रहे हो कि लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है. तो क्वेश्चन मार्क को देख के आप सेंटेंस को पहचान सकते हो कि दिस इज क्वेश्चन सेंटेंस. ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन, दिस इज कमांड रिक्वेस्ट और इम्पीरेटिव सेंटेंसेस. कमांड का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना. रिक्वेस्ट का मतलब होता है किससे पोलाइटली वे में अपने लिए कुछ करने के लिए कहना. नाउ कम टू द वन टू थ्री फोर, देयर इज फाइव सेंटेंसेस. थोड़ा पढ़ते हैं इनको. बी क्वाइट, प्लीज हेल्प मी, नेवर टेल अ लाई, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, वर्क हार्ड. तो आप ये पांच सेंटेंसेस में देखोगे कि बी क्वाइट, इसमें हमें ऑर्डर मिल रहा है यानी कि कमांड. प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है. नेवर टेल अ लाई, कमांड. रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, कमांड. वर्क हार्ड, इट इज़ ऑल्सो कमांड. सो इन सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि कमांड रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, कमांड रिक्वेस्ट और इम्पीरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, अगेन इसमें देखिए आप, इट स्टार्ट्स विद द फुलेस्ट, इट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ठीक है, तो ये भी आप पहचान लोगे अच्छे से, कमांड और रिक्वेस्ट सेंटेंसेस. नाउ कम टू द लास्ट वन, दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी आपने पढ़ा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि ये होता है. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक इस मार्क का होना बहुत ज़रूरी है. हुरो, वी हैव वन द मैच. हाउ ब्यूटिफुल इज दिस रोज. वॉट अ शेम. ब्रावो, वेल डन. तो यहाँ आपने देखा, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों के चारों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे. एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. स्टेटमेंट सेंटेंसेस में कोई हमें कोई चीज़ बताता है, जैसे ताजमहल इज इन आगरा, तो दिस इज स्टेटमेंट सेंटेंस. क्वेश्चन सेंटेंसेस में पीछे क्वेश्चन मार्क दे रखा होता है, ठीक है, और हमसे कोई क्वेश्चन करता है. कमांड में या तो कमांड होती है या फिर किसी की रिक्वेस्ट होती है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. ठीक है, तो आप ही आसानी से पहचान सकते हो. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. मैंने ये एक्सरसाइज है ये करवाई है, तो आप थोड़ा इनको देख लो. राइट द काइंड ऑफ सेंटेंसेस अगेंस्ट द फॉलोइंग. वी आर डूइंग आवर होमवर्क, हम अपना होमवर्क कर रहे हैं. दिस इज स्टेटमेंट सेंटेंसेस. डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ. हमें कोई कमांड कर रहा है, तो कमांड में क्या था, इम्पीरेटिव सेंटेंस. विल यू स्पीक टू हिम, आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस. डू यू हैव एनी मनी, अगेन क्वेश्चन सेंटेंस. लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, सो इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अगेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया. अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क. डू यू टेक एक्सरसाइज, यहाँ देखा आपने क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो दिस इज क्वेश्चन सेंटेंस. एंड स्टॉप राइटिंग, दिस इज कमांड. ओके, तो मैं आपको इसकी पिक भेज दूंगी और आप इसको कर लेना. सो
टुडे दिस इज़ योर होमवर्क. थैंक यू.